मध्य प्रदेश में चौथी बार बनेगी भाजपा की सरकार। बदनावर में एक बार फिर दत्तीगांव दरबार बनेंगे विधायक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के प्रसिद्ध गुरु महाराज ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव की भविष्यवाणी करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में चौथी बार बनेगी भाजपा की सरकार। शिवराज सिंह चौहान एक बार पुनः बनेंगे मुख्यमंत्री। बदनावर विधानसभा में कांटे की टक्कर में भाजपा मारेगी बाजी। 500 से 3000 वोट तक जीत सकती है भाजपा। राजस्थान के गुरुजी पूर्व में भी सरदारपुर विधानसभा की कर चुके हैं भविष्यवाणी, जो 100% सही साबित हुई थी। अब देखना ये होगा कि उनकी भविष्यवाणी सही होती है या नहीं। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के गुरुजी। हेलो, जय श्री कृष्ण गुरुजी, स्वागत है आपका एमपीटी मीडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद जी। जी क्या लगता है आपको, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? 2018 के चुनाव के अंदर जी कांग्रेस की लहर थी, वो लहर में कांग्रेस विजय हुई। कांग्रेस ने कर्ज माफी और अपने मतलब वादे खिलाफ होने के बाद में कांग्रेस की सरकार गिर करके मध्य प्रदेश पुनः शिवराज हुआ जी। शिवराज आने के बाद में मध्य प्रदेश में वापस उपचुनाव हो रहे हैं। 2020 में उपचुनाव की ये मतगणना के अनुसार ऐसी गणना जो हो रही है कि मतलब प्रजातंत्र और लोकतंत्र और पब्लिक सब मतलब अपने कार्य और अपनी योजना के अंतर्गत मतलब पार्टी चूज कर रही है और वही ताज वापस शिवराज के ऊपर और अपने भारी मतों से विजय और सीटों पे प्राप्त होगा जी। ठीक है, और बदनावर विधानसभा में कौन बनेगा विधायक? बदनावर विधानसभा में कटाटों की टक्कर के अंदर वापस कमल खिलेगा और बदनावर के अंदर वापस पुनः सरकार बीजेपी की बनेगी और राजवर्धन सिंह भी विजय होंगे जी। क्या लगता है आपको, किन कारणों से बदनावर विधानसभा में हारेगी कांग्रेस? कांग्रेस के हारने का कारण विधानसभा में दो तीन कारण क्वेश्चन है। पहले तो बना का मतलब वर्चस्व और उनका व्यक्तिगत संबंध जी, और उनके बाद पब्लिक तक मतलब डोर टू डोर उनका मतलब जनसंपर्क और उनका व्यवहार के विषय से वो पहले भी जीते थे और व्यवहार के कारण और विषय से अभी वो जीत होगी उनकी और उसी जीत से वो जीत हासिल करेंगे। और एक बात और बताऊं आपको। जी बताइए। 28 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी 13 सीटों से 17 सीट के ऊपर विजय होगी जी। दो निर्दलीय आएंगे, दो अन्य जीते में और सात पे नौ तक कांग्रेस मिल जाएगी जी। और बदनावर विधानसभा में कितने वोटों से जीत सकते हैं बीजेपी? 500 से 3000 वोटों के बीच में बीजेपी का कमल खिलेगा जी। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।